वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग तीन की जो पात्रता परीक्षा है उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, आपको सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत लेट बनाई है कट ऑफ पर, जबकि मैंने आपको गूगल फॉर्म का डेटा आप लोगों से बहुत पहले फिल करवा लिया था। लगभग 5,470 लोगों ने गूगल फॉर्म फिलअप किया था, इतने लोगों का मेरे पास डेटा है। फिर भी मैंने आपको कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं आपको कट ऑफ की वीडियो बताऊं। और क्योंकि ये पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा विवादों में फंस गया है, पेपर लीक और इन सब के चलते आप लोगों का भी माइंड सही से काम नहीं कर रहा था और ना ही अब कर रहा है। आपकी भर्ती का क्या भविष्य है ये अभी कोई नहीं जानता है कि भर्ती का क्या भविष्य होगा, रद्द होगी क्या होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों ने फॉर्म भरा था, उस आधार पर आप लोग बोल रहे हैं कि सर कम से कम बता तो दीजिए कि हम लोग कितने नंबर पर अपने आप को सेफ समझें अगर रिजल्ट आया तो। तो दोस्तों, ये सबसे अंतिम और सबसे सटीक कट ऑफ की वीडियो है। दोस्तों, अभी आपके पास ये भी श्योरिटी नहीं है कि आपकी कितनी पोस्ट पर भर्ती होनी है, 5,000 पोस्ट पर होनी है, 8,000 पोस्ट पे होनी है, 11,000 पे होनी है या 13,000 पे होनी है। दोस्तों, ये श्योरिटी तक आपके पास अभी नहीं है कि कितनी भर्तियों पर हमारी जो है कट ऑफ जाने वाली है। तो दोस्तों, हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे गूगल फॉर्म डेटा के आधार पर कैसा क्या ट्रेंड रहा है मेरे पास। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों, एससी, एसटी, ओबीसी और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए कट ऑफ 50%, मतलब जो आपका न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी है वो आपको 50% मार्क्स यानी कि 75 नंबर लाने हैं। और जैसे कि यहाँ पर अनरिजर्व है, अदर स्टेट है, यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे लगता है कि EWS को भी इसी कैटेगरी में रखेंगे, तो इनके लिए 60% यानी कि 15 6 90 यानी कि 90 मार्क्स इनके लिए लाना कंपलसरी है। तो दोस्तों, ये तो आपके एक बेसिक पैमाना हो गया कि आपको इतने नंबर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को लाना है और 60% अंक आपको अनरिजर्व और अदर स्टेट के लिए आप लोगों को लाना है। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और जिनके पास वैध जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश का, केवल उन्हीं को 50% अंकों का लाभ प्राप्त होगा और बाकी जितने भी हैं वो 60%, यानी कि इसमें EWS, UR, अदर स्टेट सभी हैं उनके लिए 60% अंक लाना कंपलसरी है, तब तो आपको क्वालिफाई और डिसक्वालीफाइड का जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो जारी होगा। फिर इसके बाद आपकी रैंक बनेगी और रैंक आपकी डिसाइड करेगी कि आपके कितने नंबर हैं और कितनी वैकेंसी हैं उस आधार पर। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि पात्रता परीक्षा में जो मिनिमम जो अंक हैं उनके आधार पर आपको पात्रता पत्रक दिया जाएगा, मतलब कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो आपके 0.2 अंकों तक रहेगा। जैसे किसी के नंबर हैं 100.75 है ना, ऐसे करके हैं, तो इस तरीके से आपके नंबर वहाँ पर लिखे रहेंगे। इनको राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, राउंड ऑफ यानी कि 74 है तो 75 कर दिया, 75 है तो 74 कर दिया, ऐसा नहीं होगा, राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और लिखी है कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल भी हैं वहाँ पर भी आप इस पात्रता पत्रक को देकर नियुक्ति ले सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में भी आपको ये काम आएगा। दोस्तों, ये पात्रता पत्रक है, ये क्या है, आपके लिए नौकरी देने का या फिर सरकारी नौकरी यानी सरकारी शिक्षक बनाने का कोई प्रमाण नहीं है, केवल ये एक शर्त है। जैसे कि हमसे मांगते हैं ना इंटरव्यू के टाइम पे या फिर कहीं भी हम जॉब के लिए जाते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट है क्या, तो वही चीज़ है। जैसे कि CPCT का एक सर्टिफिकेट मांगते हैं आपसे, आपके जो कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, तो उसी तरीके से ये एक आपका पात्रता पत्रक है जो कि एक शर्त को पूर्ति करेगा कि हाँ आप क्वालिफाई हैं, अब आप इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर ऐसा जो भी है। तो इस तरीके से आपका पात्रता पत्रक है और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये किसी विशेष भर्ती पर नौकरी दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जब भी आपका परीक्षा परिणाम आएगा
दोस्तों आपका परीक्षा परिणाम की संभावना है कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, इस महीने के आखिरी वीक में 25 तारीख के बाद आपका कभी भी रिजल्ट उपलब्ध हो सकता है अगर भर्ती हाई कोर्ट में नहीं फंसी तो। दोस्तों आपकी भर्ती के पीछे मुख्य विवाद है 25 तारीख की शिफ्ट वन का पेपर। दोस्तों आप सभी लोग सोच रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों पेपर कैंसिल होना इतनी आसान बात नहीं है। अगर ये कैंसिल करेंगे तो 25 तारीख के या फिर जिन जिन पेपर में धांधली हुई है उन शिफ्टों के पेपर कैंसिल करके उनको फिर से करा लेंगे, ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन पूरा पेपर निरस्त करना बहुत ही ज़्यादा फजीहत हो जाती है सरकारों की भी और जो आपका चयन आयोग है उसकी भी। तो दोस्तों पेपर पूरे निरस्त होने की संभावना मुझे 50% लग रही है, यानी कि 50 से भी कम लग रही है। लेकिन जो 25 तारीख का पेपर है उसकी संभावना मुझे 90% से भी ऊपर संभावना लग रही है कि 25 तारीख के पेपर निरस्त आप लोगों के हो जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपकी जो रिवाइज आंसर की भी आपको वहाँ पर दिखा दी जाएगी, ठीक है। आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड स्टेटस लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपकी जो श्रेणीवार रैंक वहाँ पर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों अभी आपकी वैकेंसी क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसी आप लोगों की है। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ कट ऑफ पे, जो कि मैंने आपको गूगल फॉर्म डेटा के आधार पर बताया है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये सेफ स्कोर मान सकते हैं। दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 5000 पोस्ट जो हैं उनके लिए ये कट ऑफ मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। कितनी पोस्ट? 5000 पोस्ट। दोस्तों अगर ये 8000 होती हैं तो प्रति 1000 पोस्ट आप एक एक नंबर कम करते चलना, समझ गए बात को। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर देख रखा है कि OBC मेल का कट ऑफ मैंने 113 देख रखा है यहाँ पर, ये 5000 पोस्ट पे। जैसे ही ये 8000 पोस्ट होंगी तो ये कट ऑफ 110 के आसपास पहुंचेगा। जैसे ये 10000 होंगी तो 108 और 13000 होंगी तो 105 तक भी ये कट ऑफ आपका जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो अंक लिखे हुए हैं ये नॉर्मलाइज अंक हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों आपकी कैटेगरी लिखी हुई है अनरिजर्व EWS OBC SC ST, इन्हीं के मेल फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप्ड मेल फीमेल यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैटेगरीज हैं UR EWS OBC SC ST, इनके मेल और फीमेल के एवरेज जो अंक आए हैं सभी शिफ्टों में वो कितने आए हैं। दोस्तों अनरिजर्व मेल के जो एवरेज अंक हैं सभी शिफ्टों के मिलाकर जो एवरेज अंक हैं वो हैं 98, फीमेल के 95, इसी तरीके से EWS के हैं 96, फीमेल के 90, इस तरीके से ये आपके एवरेज अंक हैं। दोस्तों सारे मेल के एवरेज अंकों का भी एक एवरेज निकाला है जो कि 94 है, मतलब कि पूरे जो जितने भी मेल हैं उन सब का एवरेज आया है 94, सारी फीमेल का जो एवरेज आया है 89 आया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कभी भी डेटा एनालिसिस जब मैं करता हूं तो जो एवरेज अंक आते हैं वो हमेशा ST की कट ऑफ होती है, ST के कट ऑफ उसी एवरेज अंकों पर जाते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर ले लिया है, मैं आपको अपना सीक्रेट बता देता हूँ। दोस्तों मेरी बताई हुई कट ऑफ 95% सटीक बैठती हैं, हमेशा सटीक बैठती हैं। आप लोग देख सकते हैं MP पुलिस में मेल पर पूरी सटीक बैठी है अपनी कट ऑफ मेल कैटेगरी के लिए। दोस्तों फीमेल कैटेगरी के लिए भी अपनी कट ऑफ का ट्रेंड बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ी सी उसमें MP पुलिस में उनकी जो भर्तियां थी उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी गई है फीमेल के साथ, तो फीमेल का कट ऑफ अपन सही नहीं, मैं क्या कोई भी सही नहीं बता पाया है। लेकिन मेल की जो कट ऑफ मैंने बताई है बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ, वहाँ पर वीडियो डली हुई है। बाकी और भी मैंने कई एग्ज़ाम्स की कट ऑफ बताई हैं, वो काफ़ी सटीक निकली हुई हैं। यहाँ तक कि आप लोग UP का जो इलेक्शन था उसका भी मैंने आपको पहले ही रिजल्ट बता दिया था कि योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, कितनी सीटों से जीतेंगे, तो वो तक जीत गए। खैर ये तो मजाक वाली बात थी, बाकी आप यहाँ पे समझो कि ये एवरेज मार्क्स हैं आपके और जो ST की कट ऑफ आपकी एवरेज मार्क्स पे हमेशा जाती है। तो 94 नंबर अगर किसी मेल ST के हैं और 89 नंबर अगर फीमेल ST के हैं तो वो अपने आप को 5000 पोस्ट पर इन समझे कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमारा MPTET की जो मेरिट लिस्ट है उसमें हमारा नाम आ जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा ST में अगर आपके मेल के 100 नंबर हैं, फीमेल के 95 नंबर हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, ये जो मार्क्स हैं ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं आपके, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स हैं। दोस्तों आपका 150 नंबर का पेपर था, आपके 8 से 10 नंबर की नॉर्मलाइजेशन इसमें होगी, 10 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन होगी। तो दोस्तों जिसके भी इनसे 5-5 नंबर कम हैं
तो वो ये मत समझना कि हमारा इसमें नाम नहीं आएगा दोस्तों। जैसे कि ओबीसी का 113 है, तो ये 113 नॉर्मलाइज अंक हैं, यहाँ पर आपके 108 नंबर वाले समझ सकते हैं कि हमारा ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आप लोगों से एक गूगल फॉर्म में एक कॉलम दिया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं। दोस्तों मैंने वहाँ पर एवरेज निकाला है कि एवरेज हर एक शिफ्ट के जो आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो दोस्तों उनके भी नंबर आपको मिलेंगे प्रोरेटेड होकर। तो दोस्तों बिल्कुल भी ना घबराएं, ये जो नंबर हैं पहले तो 5,000 पोस्ट में हैं, नॉर्मलाइज हैं, और इसके अलावा आपके अभी नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे, आपको अपने जो ऑब्जेक्शन किए होंगे उन पर भी आपको नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों ये फाइनल स्कोर है जो कि आपका इस तरीके से रहने वाला है। आप देख पाएंगे EWS का 115, फीमेल का 100 नंबर, और अनरिजर्व का 118 से ऊपर जाने की संभावना है, फीमेल की 112। यानी कि ये जो कट ऑफ रहने वाली है ये मेल फीमेल पाँचों कैटेगरी के लिए। दोस्तों जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं अनरिजर्व के, उनकी 102 के आसपास दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग, मैंने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स देखे हैं, 108-108 नंबर तक इन लोगों के हैं। फिर 99 EWS, और ये इस तरीके से आप लोगों के नंबर रहेंगे, OBC 95, SC 91, ST 80, फीमेल के 98 UR में, है ना, 90 EWS में, 93 OBC में, 87 SC, और 76 नंबर में आपका ST का सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों ये आप लोगों के कट ऑफ हैं दोस्तों, और इस कट ऑफ को ये आपका एक्सपेक्टेड है, सेफ स्कोर है। दोस्तों कट ऑफ तो आपको कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी कि सर आपने गूगल फॉर्म हमसे फिलअप करवा लिया है तो कम से कम एक छोटा सा कट ऑफ का वीडियो ही बना दो। दोस्तों मेरा तो बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था, क्योंकि इतने सारे विवाद चल रहे हैं, आप लोगों का भी दिमाग ख़राब हो रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन में होंगे, और हम लोग भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में ही हैं कि ये क्या है। एक तो 10 साल बाद भर्ती आई हुई है, ऊपर से उसमें इतने सारे विवादों की फसल कट रही है। तो दोस्तों रही बात कि इस भर्ती का भविष्य आप लोगों का क्या रहने वाला है, पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कुछ एक एक मैंने फ़ोटो खींचा था वहाँ पे, तो इस तरीके से आप लोगों के नंबर हैं। ये 5 तारीख वाली शिफ्ट वालों के कुछ नंबर हैं, आप देख पाएंगे इस तरीके से आप लोगों के नंबर आ रहे हैं। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि 5,470 लोगों का जो डेटा था उसमें से 2,117 लोगों के नंबर 100 से ऊपर हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लेना कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है। दोस्तों अब आपकी जो MPTET की जो भर्ती है इसका क्या भविष्य होगा, दोस्तों इसकी जांच होगी, और ये काफ़ी लंबा विवाद इसका चलने वाला है, और दोस्तों इसका पूरा पेपर कैंसिल होने की संभावना है। मुझे मेरे जो परसेप्शन है उस हिसाब से 50% से कम है, लेकिन दोस्तों कुछ शिफ्टों का पेपर जिनमें आपके पेपर लीक हुए हैं वो पेपर आपके निश्चित तौर पर रद्द कर दिए जा सकते हैं, और इसके बाद आपके जो परीक्षा के परिणाम हैं वो जारी किए जाएंगे। और दोस्तों ये जो आपके कट ऑफ हैं ये सबसे अंतिम वीडियो, सबसे सटीक वीडियो है, गूगल फॉर्म के डेटा के आधार पर है, हर एक चीज़ हमने इसमें क्लैरिफाई करी है, आप लोगों को बता दिया है कि ये 5,000 लोगों पे कट ऑफ है आपका, और जैसे ही आपके अगर 8,000 वैकेंसी होंगी तो इनमें 3-3 नंबर आप लोग कम कर लेना, और 10,000 होंगी तो 5-5 नंबर कम कर लेना, और ये नॉर्मलाइज स्कोर है। साथ ही आपको घबराना नहीं है कि मेरे EWS में 115 नंबर नहीं है, मेरे तो 110 ही हैं, तो मेरा होगा कि नहीं होगा 5,000 पोस्ट पे। दोस्तों बिल्कुल 110 नंबर में, 108 नंबर में भी आपकी संभावना है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत हैं, जो 150 क्वेश्चन में से आपके 5-6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत हैं, तो उनके नंबर किसी के बढ़ेंगे किसी के घटेंगे, और नॉर्मलाइजेशन भी 8 से 10 नंबर तक होगी। अभी MP पुलिस में नॉर्मलाइजेशन 10 से 12 नंबर तक हुई है, आप लोग ये समझ सकते हैं। व्यापम ने इस बार तगड़ी नॉर्मलाइजेशन की है, तो आप लोग अपने आप को इनसे 5-5 नंबर, 8-8 नंबर भी कम है, इवन 10-10 नंबर भी कम है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ये आपके कुछ कट ऑफ मैंने बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। दोस्तों मुझे पता है कई लोगों के कट ऑफ कुछ अजीब भी आने वाले हैं, तो दोस्तों आप लोगों का मुझे पता है कि आप लोग इतने आंदोलन कर रहे हैं भर्ती रद्द कराने के लिए, और मैं यहाँ पर कट ऑफ की वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मैंने बनाई ही नहीं है, आपको पता है MPTET के कट ऑफ से रिलेटेड मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जो 5,470 लोगों ने फॉर्म भरा था वो लोग पूछ रहे हैं कि सर बता दो, तो उनके लिए मैंने ये एक कोशिश करी है, हमें सबकी सुननी पड़ती है दोस्तों। तो आप लोग अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, और अपनी जो भी है मेच्योरिटी का परिचय दें कमेंट करते टाइम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।